नमस्कार दोस्तों, पीएसवी एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज एक्सरसाइज 7.3 एनसीईआरटी मैथ्स की, और ये है आपके पास 10th क्लास का मैथ्स। ठीक है, यहाँ इस एक्सरसाइज में आपको पूछा है कि अगर हमारे पास वर्टिसेस गिवन हैं तो उसका एरिया हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, उसका एरिया फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। देखिए, अब यहाँ से अगर हमारे पास वर्टिसेस गिवन हैं तो हम एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं। एक मेरे पास क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका हम एरिया फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप इसमें लिखो, ये है आपके पास x1 y1 और यहाँ से x2 y2 और यहाँ से है x3 y3। अब इसका जो एरिया है वो हम फाइंड करते हैं इस फॉर्मूला का यूज़ करके। देखिए, ये है 1/2, यहाँ से आप इन वैल्यूज़ को, जो ये वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, x1 की जो वैल्यू है आपके पास 2 है और y2 है 0 माइनस y3 की वैल्यू है 4, जब माइनस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा, प्लस x2 की जो वैल्यू है वो है -1 और y3 माइनस y1 यानी कि -4 और y1 की वैल्यू है -3 प्लस x3 की जो वैल्यू है वो है 2 और यहाँ से y1 माइनस y2 यानी कि y1 की वैल्यू है 3 और y2 की वैल्यू है 0। अब देखिए, यहाँ से 1/2, यहाँ से 4 2 8 हो जाएगा और ये -1 है और यहाँ से -7, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा +7 और यहाँ से हो जाएगा आपके पास 6। 15 प्लस 6 आपके पास 21 हो चुका है, 21/2 करेंगे तो ये आपका यूनिट स्क्वायर में कोई भी यूनिट हो सकती है, आपके पास सेंटीमीटर, मीटर, तो उस यूनिट में, स्क्वायर में इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि एरिया जो होता है वो हमेशा स्क्वायर यूनिट में आता है। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसी प्रकार से आपके दूसरे क्वेश्चन भी होंगे, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपके पास हमें फाइंड करने को दिया है कि अगर वर्टिसेस गिवन हैं और उन वर्टिसेस को, जो वो वर्टिसेस रहेंगी एक ट्रायंगल की, अब वो ट्रायंगल ना हो करके एक एक ही लाइन में हो हैं, यानी कि जो 3 पॉइंट आपके पास हैं ये कोलिनियर पॉइंट हैं। देखिए, अगर हम बी पॉइंट को ऊपर रख देते हैं और इनको सबको मीट करने पर ये एक ट्रायंगल बन जाती है, अगर इसको बी को ऊपर से नीचे रख देते हैं यहाँ तब भी एक ट्रायंगल हो जाती है, पर क्या होगा अगर ये पॉइंट आपका बिल्कुल मिड में आ जाए या इसी लाइन पर आ जाए। उसके लिए देखिए, सबसे पहले तो ये ट्रायंगल बिल्कुल भी नहीं बनेगी, और अगर ट्रायंगल नहीं बनेगी तो इसका एरिया क्या होगा, इक्वल टू ज़ीरो। आपने यही फॉर्मूला यूज़ करना है और ये वैल्यूज़ जो दे रखी हैं इन पॉइंट से यहाँ उठाकर रख देनी है और इक्वल टू रख लेना है ज़ीरो के, क्योंकि देखिए अगर ट्रायंगल नहीं बनेगी, एक लाइन का कोई भी एरिया नहीं होता, यानी कि वो इक्वल टू ज़ीरो होता है। तो हम यहाँ से इसको सोल्व कर लेते हैं, 7 × 7 -7k, ये सभी वैल्यूज़ मैंने यहाँ से उठाकर रख दी हैं इस फॉर्मूला के मुताबिक, प्लस 5k प्लस 5 2 10 माइनस 3 3 9, यहाँ से माइनस हो जाएगा 9 इक्वल्स टू ज़ीरो। ये जो वैल्यूज़ मैंने इन मोड में रखी है, मोड में रखने का मतलब क्या होता है कि कभी भी एरिया जो आपके पास आएगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इक्वल टू ज़ीरो है, तो जब ये 2 इस 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा उस साइड जाकर के, और यहाँ से आपके पास 9 − 10 1 और 7 8 और यहाँ से आपके पास आएगा -2k इक्वल्स टू 0, मतलब यहाँ से k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4। तो हम ऐसे कोलिनियर पॉइंट का यूज़ करके किसी भी पॉइंट को निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ से k की वैल्यू आपके पास 4 आ चुकी है। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ये आपके पास ट्रायंगल है और इसके मिड पॉइंट्स ये रहे, ये देखिए नीचे मैंने जॉइन कर दिए हैं इनको, डी ई एफ इनका नाम रख दिया, और यहाँ से जो आपके पास बड़ी ट्रायंगल थी उसका नाम है ए बी सी, उसकी वर्टिसेस गिवन हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ गिवन ट्रायंगल, यानी कि जो आपके पास ये दो ट्रायंगल्स हैं, एक बड़ी ट्रायंगल और एक जो इसके मिड पॉइंट जोड़ने के बाद बनी है, उन दोनों का एरिया आपने फाइंड करना है। एरिया का फॉर्मूला आपको पता ही है,
और अगर मिड पॉइंट निकालने हैं तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, जैसे हमने इस पॉइंट के एक्स और वाई दो पॉइंट निकालने हैं, तो आपने क्या करना है, जो ए और बी पॉइंट हैं इनमें से एक्स वन और एक्स टू को उठाना है, जोड़ लेना है, डिवाइड बाई टू कर देना है, तो वहाँ से आपका एक्स पॉइंट आ जाएगा। जैसे मैंने जीरो को जीरो में ऐड कर लिया और डिवाइड बाई टू कर दिया, तो जीरो उसका मिड पॉइंट आ चुका है। इसी प्रकार से वाई का पॉइंट जो माइनस वन है, थ्री है, जब हम इसको ऐड करेंगे तो वो आएगा आपके पास प्लस का टू, और प्लस टू डिवाइड बाई टू यानी कि वन, वन इसका, ये जीरो और वन ए बी का मिड पॉइंट आ चुका है। इसी प्रकार से मैंने बी सी साइड और ए सी साइड के मिड पॉइंट निकाल लिए हैं ये तीनों। अब क्या किया मैंने, ए बी और सी ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर दिया इस फॉर्मूला का यूज़ करके। तो इसका जो एरिया आया है वो है 4 यूनिट स्क्वायर। इसी प्रकार से मैंने जो डी ई एफ है इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर दिया, जो एरिया माइनस टू बाई टू यानी कि मोड होने के बाद प्लस वन बचा। अब इन दोनों एरिया का उसने पूछा है रेशो क्या होगा, तो रेशो हमारे पास 4:1 या 1:4 जैसा चाहो आप लिख सकते हो। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। देखिए मैंने सबसे पहले ये काम किया है, पूरा लिख लिया है ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। इसने कहा है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस आर टेकन इन ऑर्डर। सबसे पहले तो उसने चार वर्टिसेस दी हैं ये, और इनको ऑर्डर में लिखा हुआ है, जैसे ए बी सी और डी। अब देखिए हमारे पास क्वाड्रिलेटरल फाइंड करने का वर्टिसेस में कोई मेथड नहीं है। हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके तो इसका एरिया फाइंड कर सकते थे, लेकिन अगर ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज़ करना है तब कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने करना है एक डायगोनल ड्रॉ, कोई सा भी डायगोनल आप ड्रॉ कर सकते हो, चाहे AC या BD। मैंने कर लिया है AC। अब ये जो आपके पास क्वाड्रिलेटरल है, और एक चीज़ और ध्यान में रखें, जो क्वाड्रिलेटरल है वो आपके पास रेक्टेंगल हो सकती है, रोम्बस हो सकती है, मतलब क्वाड्रिलेटरल होनी चाहिए, चाहे आप कैसे भी खींच लो। अब देखिए ABC एक ट्रायंगल अलग हो चुकी है और ADC दूसरी ट्रायंगल अलग हो चुकी है। इस ट्रायंगल का एरिया है ये मैंने लिख दिया, और इसको सॉल्व करने के बाद ये आया 21/2 स्क्वायर यूनिट। और दूसरी जो ट्रायंगल है आपके पास ADC, इसका एरिया भी मैंने निकाल लिया है इस फॉर्मूला का यूज़ करके, यहाँ से आया आपके पास 35/2 स्क्वायर यूनिट। इन दोनों ट्रायंगल का एरिया अगर आप ऐड कर लोगे तो पूरी क्वाड्रिलेटरल का एरिया आपके पास आ जाएगा। सेम काम किया मैंने, इसको इसमें ऐड करने के बाद, कट करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 28 स्क्वायर यूनिट, जो इस पूरी क्वाड्रिलेटरल का एरिया है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा है अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ये दो इक्वल पार्ट, जो ये मीडियन होता है किसी भी ट्रायंगल का, जैसे यहाँ AD है, वो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। ये प्रूव करना था। देखिए एरिया ऑफ ABC, सबसे पहले मैंने एरिया ऑफ ABC फाइंड किया है। इसने वर्टिसेस दे रखी थी, मैंने जो मीडियन था AD, उसके पॉइंट मैंने फाइंड कर लिए हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला से। तो इन दोनों से ये 4 और 0 यहाँ पर इसका जो पॉइंट है वो आ चुका है। अब मैंने क्या किया, एरिया ऑफ ABC फाइंड कर लिया ट्रायंगल के फॉर्मूला से। तो ये इसका जो एरिया है वो आ चुका है 6 स्क्वायर यूनिट। उसके बाद मैंने AB और D का एरिया फाइंड किया, जो आया मेरे पास 3 यूनिट। उसके बाद मैंने फाइंड किया ADC का एरिया, ADC का एरिया उसी फॉर्मूला से मेरे पास आया 3 यूनिट। अब ये प्रूव हो चुकी है बात कि कोई भी मीडियन होता है अगर ट्रायंगल के अंदर, वो उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। देखिए 3 स्क्वायर यूनिट आया है ABD इस ट्रायंगल का, जो जिसको आप फर्स्ट भी बोल सकते हो, फर्स्ट ट्रायंगल, और इसको सेकंड ट्रायंगल नाम दे दो। इन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया का सम है 3+3=6 आ चुका है। ये बड़ी ट्रायंगल के एरिया के इक्वल आ चुका है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5।